नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 News। TV20 News पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। इस खबर के प्रायोजक है पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज, जहां आपको जेनसेट पंप सेट के साथ साथ अब एक ही छत के नीचे मिलेगा प्लाईवुड, सेटरिंग प्लाई, सनमाइका, दरवाजा, डोर स्क्रीन, हार्डवेयर, जेनसेट और मशीनरी पार्ट, जिसके प्रोपराइटर हैं अशोक वर्मा। और पता है वर्मा टावर नरौली तनिष्क शोरूम के नीचे आजमगढ़। और मोबाइल नंबर है 9415207728 और दूसरा मोबाइल नंबर है 9453016451। रानी किसराय में दलित महिला के साथ इज्जत लूटने और भद्दे भद्दे गाली व चैन मंगलसूत्र छीनने व परिवार को जान से मारने की धमकी की चलाई गई पत्रकार द्वारा वीडियो को देखते ही पीड़ित परिवार से मिलने पहुंची योगी युवा वाहिनी के संस्थापक व केंद्रीय लोक शिकायत एवं जांच संस्थान के पूर्वांचल चेयरमैन साहिल उपाध्याय ने पीड़िता से मिलकर पूरी जानकारी ली और पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता भी दी। पीड़ित परिवार को आश्वासन देते हुए कहा कि बहुत ही जल्द वरिष्ठ पदाधिकारी से मुलाकात कर थानाध्यक्ष व क्राइम इंस्पेक्टर को निलंबित कर पीड़ित महिला के ऊपर व पति व पत्रकार पर लगे फर्जी मुकदमे को खत्म किया जाएगा। पीड़िता ने योगी युवा वाहिनी के संस्थापक से कहा था कि थानाध्यक्ष ने सपा नेताओं के दबाव में हमारे व हमारे पति व पत्रकार के ऊपर फर्जी मुकदमा लिखवाया जाता है। एक तरफ खुलेआम बीच समाज में हमारे दोनों हाथों को पकड़कर हमारी इज्जत को लूटने का प्रयास किया जाता है। पीड़िता ने केंद्रीय लोक शिकायत एवं जांच संस्थान के पूर्वांचल चेयरमैन से कहा कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में जब खुलेआम यह हो रहा है तो आम सरकार से क्या होता है। पीड़ित ने कहा कि अगर हमें न्याय नहीं मिलता है तो हम अपने परिवार के साथ उत्तर प्रदेश छोड़ दूंगी। पीड़िता ने केंद्रीय लोक शिकायत एवं जांच संस्थान के पूर्वांचल चेयरमैन से कही कि मैं किराए के मकान में जैसे तैसे अपना वो अपने बच्चों का गुजर बसर कर रही हूँ। मैं साहिल उपाध्याय, केंद्रीय लोक शिकायत जांच संस्था का चेयरमैन, योगी भवानी के संस्थापक। कल सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे एक वीडियो मिली थी, जहाँ पर एक सुनीता नाम, सरोज नाम की कोई महिला थी, उसके साथ अभद्रता की गई, जिसका पति भी कहीं ना कहीं एक प्रेस है, प्रेस में रहता है, वो भी पत्रकार है। और एक पत्रकार का वो थाने पर जब लोग गए अपने पति को लेकर पहुंची, तो थानेदार के द्वारा उसका मेडिकल नहीं कराया जा रहा था। बोला जा रहा था कि नहीं, मेडिकल अभी नहीं, मैं सुबह कराऊँगा। जिसको संज्ञान में लेते हुए, जब मेरे पास वीडियो आए, संज्ञान में लेते हुए मैं उसको भेड़ा प्रभारी से बात किया। मैं तो किसी तरीके से घंटों भर मकसद के बाद बात करने के बाद वो उसका मेडिकल में महिला का मेडिकल कराए। उसके बाद मैं कल की बात हुई तो आज सुबह मैं किसी तरीके से पता करके कि महिला पीड़िता के घर आया और पीड़िता का हाल चल जाना, पता चल रहा है कि महिला को अभी भी धमकियां दी जा रही हैं कि तुम्हें मरवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और उसकी विवेचना हो रही है। विवेचना में मेरा क्या है कि महिला का कहना है, जो भी पीड़िता है, कि हम लोग के जान का खतरा है, तो उसमें मैं गिरफ्तार किया, बड़ा छानबीन करते रहे, उसका विवेचना करते रहे। विवेचना में जो होती आता है बताया, फर्स्ट कंडीशन क्या है कि ऑलरेडी उसके ऊपर SC/ST तो लगी गया है, फिर महिला के साथ छेड़खानी, तो इस सरकार में महिला साथ छेड़खानी महिला का शक्तिकरण है और बहुत बड़ी ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्य की बात है कि इस सरकार में इतने महिलाओं को सब कुछ करने के बाद भी महिला के साथ ऐसी घटना हो रही है। और सबसे शर्म की बात है कि कल राजेश्वरा थाना महोदय जी तो वो एक महिला का पीड़ित नहीं समझ सकते, उसको गुमराह किए डेढ़ घंटे तक। काफ़ी मकसद के बाद बात हुई, जिसको मैं लेकर के महिला से मिला हूँ। अब कल सुबह मैं खुद माननीय SP सर से बात करूँगा और उसकी जांच के साथ साथ उसको पहले गिरफ्तारी के लिए मैं आश्वस्त करूँगा, बात करेंगे और उसको गिरफ्तार करवाएंगे हम। बाकी महिला को जो भी सहयोग है, जो भी उसकी मदद करना है, पूरा हमारा संगठन उसके साथ खड़ा है। महिला का जितना सहयोग जो भी होगा उस महिला को किया जाएगा और उसके हर कदम लड़ाई पर हमारा संगठन उसके साथ खड़ा है।